प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना स्वस्थ भारत निरोग भारत के तहत 25 दिवस से दतिया में लगातार चल रहे सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का समापन गायत्री गार्डन में बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया। प्रातः 5:30 बजे से शिविर की शुरुआत मुख्य अतिथि पतंजलि योग समिति राज्य प्रभारी भाई कृष्ण योगेंद्र रघुवंशी, पतंजलि किसान सेवा समिति राज्य प्रभारी भाई मनेंद्र यादव, युवा भारत सह राज्य प्रभारी भाई वीरेंद्र धाकड़ आदि भाई बहनों के जन जन तक स्वास्थ्य पहुंचाने की शपथ ली। भाई बहनों ने योग कर निरोग रहने की जानकारी जन जन तक पहुँचाने की अपनी लगातार कोशिशों को जारी करने का संकल्प भी किया। मुख्य अतिथि और स्वामी सूर्य देव जी की अध्यक्षता तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में व्याख्याता मनोज द्विवेदी जी जिला योग प्रभारी के विशिष्ट अतिथि में संपन्न हुआ। दतिया से राकेश सिंह सिसोदिया की रिपोर्ट। मेरा नाम मीनर अग्रवाल है, मैं दतिया जिले की निवासी हूँ और मैं योग में करीब 10 साल से जुड़ी हुई हूँ और मेरा यहाँ पर अभी भारत स्वाभिमान महामंत्री का पद है और मुझे योग करने से बहुत अच्छा लगता है और मन को बहुत प्रसन्नता होती है करने से। बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। क्या सीखा है आपने यहाँ का योगा जॉगिंग बहुत चीज़ें सीखी है। देखिए बिल्कुल स्पष्ट है ये बात, तो एक तो हम लाभ गिनवाने लगे 1, 2, 10, 200 कितने भी, इसको आप दूसरे तरीके से कहिए कि योग से क्या लाभ नहीं होता है। जो भी दुनिया में लाभ आपको दिख रहे हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, वे सारे योग से होने वाले लाभ ही हैं, व्यक्ति को पता हो ना पता हो, लाभ हैं सारे योग से होने वाले ही। जिसे शारीरिक स्वास्थ्य का है, कितने तरह के रोग बीमारियां हैं, योग कीजिए तुरंत 1 सप्ताह में रिजल्ट मिलने लगता दिखने लगता है, शारीरिक लाभ है। मानसिक शांति के लिए आप ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अभी लोगों ने किया 10 मिनट, 10 ही मिनट में सबके चेहरे की रंगत अलग से बदल गई है, ताजगी आ गई है, फ्रेशनेस आ गई है चेहरे पे। मानसिक लाभ है, शारीरिक लाभ है। फिर उसके बाद योग अभी प्रोफेशन के तौर पे भी किया जा रहा है, आर्थिक लाभ है, नौकरियां मिल रही हैं, जॉब मिल रहे हैं, नए रोजगार खुल रहे हैं, लोग विदेशों में जा रहे हैं, सरकारें अलग अलग अवसर दे रही हैं। योग के तो आप कितनी दिशाओं में देखेंगे, अभी ये योग का प्रोग्राम हो रहा है तो किसी ने टेंट लगाया है, दरियां बिछाई हैं, ये भी तो योग का ही लाभ है, अगर योग नहीं होता तो ये कहाँ से लगता। कितनी चीज़ें हैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी और पूज्य स्वामी जी महाराज के प्रयास से, अब तो पूरा विश्व इस बात को जान गया है। और 2 दिन पहले आपने देखा ही करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों लोग, पूरा विश्व एकदम से योग में हो गया है, कुछ न कुछ लाभ है इसीलिए हो रहा है। कितना पुराना है अपना योग? सह ऐसा संस्कृति प्रथमा विश्व आर्या, वेद में मंत्र है कि जो अपनी ये संस्कृति है ये प्रथम है, सनातन है। 1,93,53,00,000 1,96,08,53,000 साल पुरानी। और भगवान बुद्ध ने कहा ऐसा धम्मो सनातनो, ये जो योग धर्म है ना ये तो सनातन है। सनातन का मतलब जो शुरू से था।